नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूं मैं स्टॉक मार्केट के सेकंड पार्ट में यानी कि ट्रेडिंग में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा था, कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे जो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, आज हम ट्रेडिंग के बारे को मैं कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेड जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, तो ट्रेडिंग एक व्यापार है और इन्वेस्टमेंट एक निवेश है। इसके बाद ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है इंट्राडे और एक होती है डिलीवरी। इंट्राडे जैसे कि हमें समझ में आ रहा है, इंट्राडे आज ही खत्म करना है, सुबह हमने पोजीशन बनाई और शाम आते आते स्क्वायर ऑन, इसमें हम दोनों प्रकार की पोजीशन बना सकते हैं, तेजी की तरफ या लॉन्ग, मंदी की तरफ या शॉर्ट। शॉर्ट वो होता है जैसे कोई स्टॉक है, इसका भाव अभी 100 रुपए है, आपको लग रहा है कि ये 110 रुपए की तरफ जाएगा, तो आपने यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लिया और 110 पे सेल कर दिया, ये होती है लॉन्ग पोजीशन। एक होती है शॉर्ट पोजीशन, आपको लग रहा है कि स्टॉक 100 रुपए है और नीचे 90 की तरफ जाएगा, तो आपने यहाँ पे पहले सेल कर दिया, नीचे 90 पे जाके बाद में बाय कर दिए, तो ये होता है शॉर्ट पोजीशन। इसमें हम दोनों कर सकते हैं एक मार्जिन के साथ, लेकिन ये रिस्की भी बहुत है। आपको लगा 90 की तरफ जाएगा, लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपका लॉस हो सकता है, इसलिए 3 से 5% तक आप इसमें स्टॉप लॉस लगा कि आपका लॉस हो वो 3 से 5% में ही रहे। अगर 100 रुपए का शेयर है और आपने एक लॉट लिया है तो एक शेयर का 5 रुपए आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखना रहता है। कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली कैंडल में दो पार्ट होते हैं, एक होती है बॉडी और एक होता है फेग, फेग जो धागे नुमा संरचना है और बॉडी। कैंडल दो प्रकार की होती है, एक बुल, बुल माने तेजी वाली, और एक होती है बियर, बियर्स यानी मंदी वाली। बुल इसलिए कहते हैं क्योंकि बैल जो सांड होता है उसके सींग ऊपर की तरफ रहते हैं, तो वो तेजी का प्रतीक है। जब वो अपना सर नीचे काटता है तो वो उसके जो सींग का एंगल बनता है वो तेजी की तरफ बनता है, इसलिए तेजी के लिए बुल कहते हैं। और बियर भी होता है भालू, उसकी नाक नीचे की तरफ रहती है, इसलिए मंदी को हम बियर से परिभाषित करते हैं। तो ये तो हो गया बुल और बियर। बुल कैंडल जो होती है आपकी ओपन यहाँ होगी, लोवर, नीचे लोवर आएगा, फिर बियर्स हावी होंगे, हाई तक जाएगा और उसके बाद यहाँ क्लोज होगा, माने क्लोज हाई पे होगी, ये ग्रीन कलर में आएगी। और जो बियर कैंडल रहती है वो ओपन हाई पे होगी, ऊपर जाएगी, फिर बुल्स हावी होंगे, लो तक आएगी और फिर क्लोज लो पे ले जाएगी, ये रेड कलर में। अगर हम इंट्राडे की पोजीशन बना रहे हैं तो हम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक की कैंडल देख सकते हैं। ये तो है इंट्राडे। इसमें टेक्निकल्स और चार्ट रीडिंग की बहुत जरूरत है, तो जब तक आप टेक्निकल और चार्ट रीडिंग में पारंगत ना हो जाएं, इन चीजों से दूर रहें। अब आते हैं हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पर, जो कि इन्वेस्टमेंट से थोड़ी मिलती जुलती है। इन्वेस्टमेंट माने लॉन्ग टर्म और डिलीवरी माने कुछ समय से लेकर कुछ दिन तक। डिलीवरी आपने शेयर ले लिए और इंतजार किया बढ़ने का, लगभग मिलता जुलता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन ये कुछ दिनों तक का रहता है, इसलिए इसे ट्रेडिंग कहते हैं, व्यापार की तरह की भी होता है। इसमें भी हम कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं। इसमें हमें एक दिन की कैंडल देखना है, इसके अलावा चार्ट में 2-3 पैटर्न होते हैं। एक RSI देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, वॉल्यूम देखिए, कौन से शेयर में को क्या वॉल्यूम है, क्योंकि आप ट्रेडिंग उन्हीं शेयर्स में कीजिए जिनका डेली वॉल्यूम बहुत अधिक होता है और जो न्यूज सेंसिटिव रहते। अगर वॉल्यूम कम रहेगा, न्यूज सेंसिटिव स्टॉक नहीं रहेगा, तो उसमें मूवमेंट बहुत कम आएगा या ना के बराबर आएगा। तीसरा आप देखिए बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड एक बैंड बनती है, इसके दो पार्ट होते हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड।
अपर फॉलोवर। अगर कोई कैंडल बोलिंजर बैंड को क्रॉस करती है और दूसरी कैंडल उसके क्लोज के पास ओपन हुई है तो तेजी का संकेत है। आप यहाँ एंडिंग बना सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। लोअर बैंड को अगर कोई कैंडल क्रॉस करती है और अगली कैंडल उसके क्लोज के पास बनती है तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं लेकिन शॉर्ट की पोजीशन, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 3-5% स्टैंडर्ड है। ये हो गए। इसके बाद वॉल्यूम बोलिंजर बैंड सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सपोनेंशियल और एक होता है सिंपल। तो सिंपल मूविंग एवरेज में हम एक लाइन रहती है जिसको कि हम 7 दिन से लेके वो कितने भी दिन तक रहती है, तो इसमें स्टैंडर्ड रहता है 14 दिन का और 200 दिन का। अगर 200 दिन की लाइन 14 दिन की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो ये मंदी का संकेत है, और अगर उल्टा होता है नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये तेजी का संकेत है। एक कमेंट आया था धोटे साहब का कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताइए। तो फ्यूचर जैसे कि भविष्य, इसमें हमें एक टाइम ड्यूरेशन मिलती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन लगभग 200 कंपनियां ट्रेड करती हैं। इसकी एक्सपायरी हर महीने के लास्ट गुरुवार को होती है और ऑप्शन में ही सेम 200 कंपनी ट्रेड करती हैं, इनकी भी एक्सपायरी गुरुवार महीने के आखिरी को होती है। ऑप्शन और फ्यूचर हम इंडाइसेस पे भी कर सकते हैं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर गुरुवार को 3:20 पे होती है, तो आप उसके पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें। अगर आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे 3:22 पे आपका सॉफ्टवेयर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा और आपको पेनल्टी लगा देगा। ऑप्शन हाई रिवार्ड हाई रिस्क गेम है। जब तक आप चार्ट में पारंगत ना हो जाएं और एक अपने रिस्क लेने की एपेटाइट डेवलप ना कर पाएं तब तक आपको इससे बचना है। इसमें वही दोनों तरफ की पोजीशन बनाई जा सकती है, तेजी की तरफ और मंदी की तरफ। तेजी की जो पोजीशन होती है वो कहलाती है सीई यानी कॉल यूरोपिया, मंदी की जो पोजीशन होती है वो कहलाती है पी यानी पुट यूरोपिया। इसमें 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, ITM, ATM और आउट ऑफ द मनी OTM। ATM वो पोजीशन होती है जैसे मार्केट अगर 20,000 पे चल रहा है तो इसकी आप जो पोजीशन लेंगे यहाँ पे कॉल या पुट लेंगे वो आपको ATM कहलाएगी यानी एट द मनी। इससे दूर की लेंगे आप 21,000 तरफ की तो ये OTM हो गई, OTM हो गई यानी आउट ऑफ द मनी। इसमें प्रीमियम सस्ते रहते हैं तो ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में एक टाइम डिके प्रोसेस भी काम करती है। अगर आपने 21,000 की पोजीशन ली और अगर गुरुवार तक मार्केट 21,000 नहीं पहुंचा, 20,990 रुपए पे जाके क्लोज हो गया तो आपका पूरा प्रीमियम डूब जाएगा। इसमें कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रहती है, इसमें थीटा बहुत ज्यादा काम करता है जो कि टाइम डिके प्रोसेस है। इन द मनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू रहती है। अगर आपने 19,000 रुपए की कॉल ऑप्शन ली और मार्केट आपका 19,000 के ऊपर है तो एटलीस्ट आपका कुछ प्रीमियम तो बच ही जाएगा। ये तो होती है तेजी की तरफ। एक होती है पीई जैसे हमने अभी बताया था, ये होता है पुट यूरोपिया। इसमें इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो एट द मनी तो सेम रहता है, इसका ये इन द मनी हो जाएगा ITM, तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो जब तक आप इसमें पारंगत ना हो इससे दूर रहें, क्योंकि ये टाइम डिके प्रोसेस है, टाइम का डिकेशन आपकी पूरी प्रीमियम को डुबा जाएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास ट्रेडिंग को समझने का। अगर आपको लगता है कि प्रयास में कमी है तो आप मुझे कमेंट्स में राय दीजिए, मैं इस पर एक डेडिकेटेड सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। इस पर लोगों ने किताबें लिखी हैं, PhD करी गई हैं, तो ये 10-20 मिनट के वीडियो में इसको समझा पाना नामुमकिन है। तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये प्रयास पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।